हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस टुडे और टॉपिक इज डिटरमाइनर्स तो गाइस हम डिटरमाइनर्स को डिस्कस कर रहे थे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं वो आपके नाउन को मॉडिफाई करते हैं वो आपके नाउन के आगे लगते हैं जो एडजेक्टिव के आगे भी आप तो ये का का एक पूरा parts of speech का एक पूरा है जो मैंने आपको पढ़ाया था वो प्रीवियस वीडियो में अगर आपने नहीं सुना है तो गाइज आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सके तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज स्लाइड इज फॉर फॉलोइंग इन द

आएगा यहाँ पे A few आएगा या लिटल आएगा या प्लेंटी ऑफ आएगा या फ्यू लिटल या plenty ऑफ व्यू जो भी आपका आएगा वो यहाँ पे उसके बाद है कि मेरे पास ये टैलेंट है म्यूजिक का आल दो आई हैव ऑलवेज और मेरे पास क्या है इसके बाद जो मेरे मैं क्या चाहता हूँ एक सिंगर बनना चाहता हूँ तो यहां जो रहेगा right वो कहता मेरे पास little जो है वो म्यूजिक का है लेकिन उसके बावजूद भी ऑल दो मतलब ये रीजन में आ जाता है ऑल दो आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड मैं हमेशा ही क्या बनना चाहता था एक सिंगर बनना चाहता था तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर

फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर द रिपोर्ट कंक्लूड दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो हैं हैव सम नॉलेज उनके पास कुछ नॉलेज है न्यूक्लियर फिजिक्स का तो दैट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑल दो डैश ऑफ फॉक्स और रेडिश इन कलर डैश आर्टिक फॉक्स इज

कलर द फॉक्स बिकॉज ये मेन किसी का नेम है इसलिए द लगा यहाँ पे आर्टिकल ठीक है तो हम बोलते हैं ना जब भी कोई नई स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं तो हम द का यूज करते हैं इसलिए द का यूज यहाँ पे आया है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर द एमेजोन इन ब्रेज ब्राजिल इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन डैश साउथ अफ्रीका यहाँ पे क्या आएगा द एमेजन इन एमेजोन इन ब्राजील इज द लॉन्गेस्ट क्यों क्योंकि लॉन्गेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे द आएगा इसका मतलब ऑप्शन बी और डी तो कट हो गया ठीक है इन द साउथ अफ्रीका तो यहाँ पे ए जो सॉरी uh, सी जो ऑप्शन रहेगा दैट इज द राइट आंसर वी कुड बेयरली गेट एनी इंफॉर्मेशन एट द एयरपोर्ट डैश पीपल सीम टू हैव डैश आइडिया अबाउट द फ्लाइट कहता वी कुड बियरली गेट एनी इन्फॉर्मेशन एट द एयरपोर्ट हमने क्या की कोई इंफॉर्मेशन मतलब कर सकते थे बियरली ही एयरपोर्ट पे डैश पीपल सीम टू ऑफ ओनली फ्यू पीपल सीम टू हैव सम आइडिया अबाउट द मतलब यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा दैट इज द एक सिर्फ कुछ लोग ही है वो वो वाला कुछ उनके, उनके के पास ही ये वाला आइडिया था ठीक है आंसर इज द ऑप्शन इज द राइट आंसर डैशर तो neither neither. So, आएगा नहीं तो so, यहाँ पे सॉरी ना इधर आएगा यहाँ पेदर ऑफ इज फ्रेंड स्पीक एंड इंग्लिश तो उसका फ्रेंड में कोई भी जो था वो कोई भी इंग्लिश नहीं बोल सकता क्योंकि जहाँ स्पेसिफिक नहीं है कि बोथ किसकी बात हो रही है इसलिए हम निदर ऑफ का यूज करेंगे दैट इज द राइट आंसर

तो यहाँ पे देयर वर क्या several people आएगा सेबरल पीपल आएगा लिटिल आएगा मच आएगा यहाँ अ लिटिल अ लिटिल नहीं आएगा यहाँ पे आएगा देयर वर सेल पीपल एट द मीटिंग बहुत सारे थे अर्लियर पहले बट मोस्ट ऑफ देम लेफ्ट बहुत सारे छोड़ के चले गए सो इसलिए देयर आर नॉट मैनी लेफ्ट रो और अब जहाँ पे बहुत सारे नहीं बचे हैं सेबरल इज द राइट आंसर डैश पीपल इंजॉय परफॉर्मेंस ऑफ द थिएटर कंपनी बट आई डोंट नो थिंक इट इज सक्सेसफुल वन वो कहता एवरी पीपल एवरी नहीं आएगा मच पीपल सेवरल पीपल यहाँ पे क्या आएगा several यहां पे राइट right आंसर कि बहुत सारे पीपल जो थे उन्होंने इंजॉय की परफॉर्मेंस को लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि वो एक सक्सेसफुल वन थी ठीक तो है right answer. तो आंसर जो सी है दैट इज द राइट आंसर तो जॉनी इज अ कीन प्लेयर बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज चेस स्किल्स वो कह रहा है वो एक कीन प्लेयर था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी क्या थी लिटिल स्किल्स थी या सम स्किल्स थी या फ्यू तो ये राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा फ्यू स्किल्स अनफॉर्चुनेटिन उसकी क्या थी कुछ अनफॉर्चुनेटली उसकी कुछ स्किल्स थी ठीक है तो यहाँ पे सी जो है वो राइट right आंसर इफ यू हैव डैश क्वेश्चन आई एम रेडी टू आंसर वो कहता है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है इफ यू हैव फ्यू क्वेश्चन आएगा क्या आएगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा दैट इज द एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू गिव आंसर अबाउट दीज क्वेश्चन मैं उन क्वेश्चन के बारे में आंसर देने के लिए रेडी हूँ एनी इज द राइट आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर देअर इज डैश वॉटर लेफ्ट So यहाँ पे क्या है लिटल आएगा मच आएगा सम आएगा तो देअर इज मच बैट वो आएगा ओनली yeah. इफ so सिर्फ वही पीना जो जितना तुम्हें चाहिए तो देयर इज अ लिटल लिटिल वॉटर वो कहता है थोड़ा सा वॉटर यहाँ पे बच गया है इसलिए ड्रिंक ओनली सिर्फ वही पीना इफ यू मस्ट अगर तुम्हें जरूरत है तो ही तुम पी सक मतलब इसको पीना दैश कोट विल डू इट डू बी अट वो कहता है कोई भी कोर्ट ऐसा कर सकता है, कुछ कोट ऐसे कर सकते है थोड़ा सा, लिटल तो नहीं आएगा यहाँ पेगा अः आएगा एनी कोर्ट विल डू कुछ भी कोई भी कोर्ट ये करेगा लेकिन इट डज नॉट नीड टू बी अ रेनकोट रेन कोट की जरूरत नहीं है तो ये जो है वो राइट आंसर आई डिडंट है पासपोर्ट तो मुझे कोई भी ट्रबल नहीं हुई पासपोर्ट को लेने में आई डिटेंट हैव एनी ट्रबल तो यहाँ राइट आंसर जो रहेगा दैट इज मच सॉरी आई डिटेंट हैव मच ट्रबल गेटिंग द पासवर्ड मेरा क्या है कोई भी मतलब मुझे ट्रबल नहीं हुआ कुछ भी ये जब हम मच अच्छा हम यूज करते हैं ऐसी चीजों के लिए तो आई ओनली हैड अ प्रॉब्लम विद माई फोटो बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड वन ठीक है

there is there isn't dash point at all in getting upset about it there isn't any point ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा any point कोई भी point नहीं था जो हमें upset करे इसके बारे में तो that is the uh, oh, answer last summer we went on dash cards in the caribbean among dash island we visited bar uh, bermuda and the bahamas ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा वी वेंट ऑन आएगा द आएगा क्या आएगा तो वी वेंट ऑन द द द पहले पहले में आ, पहले में अ अ अ और इन अमंग दर्सियन वो कहता उन आईलैंड के अमंग वी विजिटेड वर हम वहां पे विजिटेड हुए थे ठीक है तो यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर डैश टीचर्स प्रेफर अ क्लास दैट इज फेयरली कंसिस्टेंट इन हैविंग पीपल्स ऑफ द सेम लेवल तो वो कहता है मोस्ट एगा each, each तो नहीं नन भी नहीं आएगा तो यहाँ आएगा आपका मोस्ट टीचर्स प्रेफर क्लास बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं क्लास को प्रेफर करते हैं जो फेयरली कंसिस्टेंट हो इन हैविंग पीपल ऑफ द सेम लेवल जहां पे सेम लेवल के स्टूडेंट हो डैश ड्राॅइंग्स इज डिफरेंट ईच वन ऑफ द ड्राॅंग्स एवरी ड्राॅइंग All of drawings, very few drawings. तो so, यहाँ पे आपका रहेगा right answer B. Each one of the drawings, हर एक की जो drawing है वो क्या है different है. Heavy fines and jail sentences have made dash difference in preventing elephant poaching for their tusks. वो कहता heavy fines और jail जो है वो क्या कर have made little differences आएगा, few differences आएगा, जा a little difference आएगा.

देर आर सो वर्शिपर्स देर आर मैनी बहुत सारे हैं ठीक है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फिल नहीं किया है तो यहाँ पे आप इसका राइट right आंसर रहेगा मैनी आई वॉन्ट टू नो डैश थिंग्स आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स मैं क्या जानना चाहता हूँ कुछ थिंग्स को जानना चाहता हूँ तो अ फ्यू जो रहेगा इसका राइट right आंसर रहेगा सॉरी गाइज यहाँ पे फिल नहीं हुआ है तो हैव यू एवर विजिटेड डैश हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स क्या तुम कभी uh, have नी हिस्टोरिकल बिल्डिंग यहाँ पे एनी जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा सिक्स वाले में ठीक है तो देव मी डैश ऑफ्टर दर वो कहता है उन्होंने शुरू कर दिया मुझे क्या देना वन स्लाइज आफ्टर द अदर एक के बाद दूसरी स्लाई देना शुरू कर दिया था तो यू कैन गो इधर बाय बस तो ये तो इधर वाला है तो यहाँ पे तो नॉर आएगा नहीं इधर आएगा नहीं तो यहाँ पे और ही आएगा और बाय ट्रेन मतलब यू कैन गो चाहे तो तुम बस से साथ जा सकते हो या तुम ट्रेन से जा सकते हो जयपुर इज द ओनली सिटी वो कहते हैं जयपुर ओनली सिटी है जिसको हम एज पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं द फैसिलिटीज इन द केपी होस्टल आर डैश सेटिस्फैक्ट्री वो कहता है ये जो फैसिलिटीज है केपी हॉस्टल में वो क्या है आर मैनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो सकता आइदर नहीं हो सकता वॉन नहीं हो सकता दैट इज द मच सैटिस्फेक्ट्री वो क्या है बहुत ज्यादा ज्यादाफैक्ट्री है तो गाइस ये जो आपकी वीडियो रही है ये आपको मैंने प्रीवियस ईयर का वर्क दिया था आई होप कि आपने फिल कर लिया होगा और इनके साथ अपने आंसर भी मैच कर लिए होंगे तो सॉरी गाइज जो बीच में थ्री सेंटेंसेज मैं फिल नहीं कर पाई हूँ यहाँ पे लिखा नहीं है तो जब ये वीडियो अपलोड करूंगी तो आई होप की मैं यहाँ पे ये आंसर जो है करेक्ट आंसर उनको फिल कर दूंगी तो गाइज आप प्रीवियस जो स्लाइड है उसको अच्छे से जो आपको होमवर्क मिला उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और डेटर को अच्छे से पढ़िए तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो Okay, friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share, and subscribe my channel.